पापा को टैकल करना है तो बस उनके सामने गुस्सा या इमोशनल होने से काम नहीं चलता। फिर मुझे वो घुंघरू वाली लड़की देखी तो मुझे इस वक्त भरत की याद दिला रही है कि वो अपने बाप की उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतरा। और कभी कभी पापा भी अपने बच्चों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। तू क्या पक रही है? तू ये कैसी परीक्षा है बाबा जी? अब वो सच्चाई नहीं जानता और मैं उसकी वैलेंटाइन? ये क्या हो रहा है बाबा जी? Will you be my Valentine? कैसा है? ये किसी स्पेशल वन के लिए मेरा मैसेज है। जिया, मैं तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहता हूँ। क्या तुम इसको रैड के नोटिस बोर्ड पर लगा सकती हो? प्लीज। ये वो मैं नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ? अब किरण मैम को पता चला तो वो तो डांट लगाएगी। पहले तुम उनके परमिशन ले लो, फिर मैं लगा दूंगी। किरण मैम से पूछकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, तुम तो जानती हो कि वो पर्सनल मैसेजेस अलाउ ही नहीं करती हैं, और खासकर आज वैलेंटाइंस डे। देखो प्लीज, कुछ भी करके तुम ये पोस्टर नोटिस बोर्ड पर लगवा दो। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। ओके, तुम नहीं करोगी तो मैं खुद कर लूंगा। नहीं नहीं प्लीज, तो तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो जिससे किरण मैम नाराज हो जाएगी? तुम बहुत दिनों बाद वापस आए हो, अपने डांस पे कॉन्सेंट्रेट करो ना प्लीज। समझ गए ना तुम? अपूर्वा मुझे ढूंढ रहा है, अपनी मिस्ट्री गर्ल को, और जब उसे पता चलेगा कि उसकी मिस्ट्री गर्ल एक टब्बू है तो वो तो मुझसे कभी बात नहीं करेगा, बल्कि मुझसे नफरत करेगा। मेरी मदद करो बाबा जी, प्लीज मेरी मदद करो। Happy Valentine's Day. Thank you. Valentine's Day पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। I mean, प्यार कोई दिखावा नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है। कभी लाल पीले फूल देने से भी प्यार होता है। प्यार तो एक दूसरे को
वेल, यहाँ तो सब पे प्यार के पागलपन का भूत सवार है। यू टेल मी, हाउ इज योर वैलेंटाइन डे? नॉट ग्रेट, पर ठीक हो सकता है। देखो, अगर तुम ये पोस्टर को बिना किरण मैम के बताए वो नोटिस बोर्ड पर लगा दोगी तो ये बरखा, तुम आज अलग लग रही हो। डिफरेंट? नहीं, कुछ खास तो नहीं। एनीवे, बताओ तुम मेरी हेल्प करोगी ना? हाउ मीन अपू, बरखा गरेवाल तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम किसी अजनबी लड़की की तलाश में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और ऊपर से तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं उसे ढूंढने में। ठीक है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं इस पोस्टर को लेकर अपने मिस्ट्री डेट का इंतजार पूरे दिन यहीं पर करूंगा। ओके बाबा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर एक शर्त पर। तुम्हें मुझे किरण दी के सामने 1 dozen रेड रोजेस देने होंगे। तुम क्या पागल हो गई हो? पागल ही तो हो रही हूं अप्पू। काश तुम आज मेरे साथ डांस करते। हेलो, मैं सोच रही थी कि क्या वो लड़की तुम्हारे साथ डांस करने के लिए मान जाएगी? आई मीन, शायद वो तुम्हारे सामने आने से डरती हो। व्हाटएवर, पर मुझे ये पता करना है कि वो लड़की है कौन और मुझे उसके साथ एक बार डांस करना है, बस एक बार। एनीवे, यो, थैंक्स। मेरी सारी फाइल्स कहाँ हैं? कौन? हाय, आज वैलेंटाइन डे है, आज तुम्हारी फाइल्स को छुट्टी और तुम्हारे इस गुस्से को भी। ओके, तुम मुझ पे पूरे वीक गुस्सा करती आई हो, अब नाउ इट्स कॉम्पेंसेशन टाइम, कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट। लेकिन ये सब क्या है, ये चॉकलेट्स और ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मुझे टाइम मिला होता ना तो तुम बिलीव नहीं करती मैं कैसा सेलिब्रेशन रखता रैड में। बड़ा कुछ नहीं है, टाइम नहीं है तो स्टूडेंट्स के बिना ही मैं प्रिंसिपल के साथ मना लेता हूँ। हाँ, प्लीज हैव अ सीट, बैठो ना प्लीज। थैंक्स। तो चलो हम अपना वैलेंटाइन डे शुरू करते हैं। सबसे पहले सेलिब्रेशंस। रोहन, कोई बात नहीं, ये जो है ये आपके लिए फूल। एक्चुअली मार्केट में वैलेंटाइन डे की वजह से सारे अच्छे फूल खत्म हो गए थे तो मैंने यही गार्डन में से तोड़ लिया, होप यू डोंट माइंड। प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट द सेलिब्रेशन यार। ये लो, ये तुम्हारा कॉफी का मग, ये मेरा कॉफी का मग, सो चीयर्स। रोहन, हम कोई स्कूल कॉलेज के बच्चे नहीं है ये सब करने के लिए, एटलीस्ट मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है किरण, हर एक इंसान को पैम्परिंग, लव और केयरिंग चाहिए होता है, हम लोग भी इंसान हैं। प्लीज लेट्स डू द चीयर्स। हमको मालूम है दिल से हो जाती है गलतियां, सब्र से इश्क महरूम है। ओह माय गॉड, हाउ कुड आई फॉरगेट, तुम्हारी वैलेंटाइन डे की गिफ्ट भूल गया मैं, ओनली फॉर यू। डोंट टेल मी तुम मेरे लिए। रोहन प्लीज, आई मीन यहां तक तो सब ठीक था लेकिन ये गिफ्ट, अपनी गिफ्ट अपने पास रखो। ये डे जो है साल में एक बार आता है, प्लीज, और गिफ्ट जो है मना नहीं करते।
खोल के तो देखो, इट्स अ गुड सरप्राइज फॉर यू। Like it? ये तुम्हारा गिफ्ट है? क्या मजाक है रोहन? किरण ये मजाक नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है वैलेंटाइन डे? यार के लिए क्या कोई लिमिटेड पीरियड होता है? बस एक दिन के लिए एक दूसरे के साथ रहना, गिफ्ट एक्सचेंज करना और फिर साल भर के लिए एक दूसरे को भूल जाना और फिर अगले साल किसी और के साथ। बरखा, ये वैलेंटाइन वाला पोस्टर तुम लगा रही हो? वैलेंटाइन का पोस्टर वैलेंटाइन्स पे नहीं लगाऊंगी तो कब लगाऊंगी जिया? और तुमने अप्पू की मदद क्यों नहीं की पोस्टर लगाने में? मैं कैसे पोस्टर लगा सकती थी? किरण मैम की परमिशन के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं तो आखिर में एक सेक्रेटरी ठहरी, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं। तुम बहुत कुछ हो जिया, एक बार कोशिश तो करो। जैसे तुम्हारी एक कोशिश से अप्पू रेड वापस आ गया। नहीं बाबा, मैं कोई दोबारा कोशिश नहीं करना चाहती हूँ। अभी मुश्किल से तो अपूर्वा रेड में वापस आया है। दोबारा मेरे किसी कोशिश से कुछ गड़बड़ हो गया तो? कभी कभी सही गलत छोड़कर हमें सिर्फ अपने दिल की बात सुननी चाहिए जिया। किरण, तुम मेरे गिफ्ट का मतलब पूरी तरह से गलत ले रही हो। इस गिफ्ट का मतलब है स्ट्रेंथ, पोटेंशियल, जो मुझे तुम में दिखता है। रैड में तुम्हारी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल ही सबसे अच्छी चीज है। आज रैड जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से। मेरा कहने का मतलब ये है, अब इससे पहले तुम थैंक यू बोलो। Pleasure was all mine and will always be mine. तुम जरा भी नहीं बदले रहे। कॉलेज से लेकर आज तक तुम्हें जरा भी फर्क नहीं है। बदलना भी नहीं चाहता। Happy Valentine's Day. ये तो मैं भूल ही गया, रोज भी देना होता है ना, तो रोज पे यू। बाय, सी या। जब हम पागल पागल फिरते थे, फिरते थे। अपूर्वा जी, ये आपके लिए। हेलो, मैं तुम्हारा रिहर्सल हॉल में इंतजार कर रही हूं।
चाहती थी। जब से तुम्हारे साथ डांस किया है तब से मेरी यही तमन्ना थी कि कब तुमसे मिलूंगा। और आज आज सेंट वैलेंटाइन का दिन है, सोचा क्यों नहीं आज ही तुमसे मिलूं। हैप्पी कम ऑन, अब बोल भी दो। या हैप्पी वैलेंटाइंस डे। यार हमें नहीं पता था कि तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान है। डोंट माइंड ना, लेकिन तुम तो यार लड़कियों से भी कम अक्लमंद निकले। बकरा नहीं, दीवाना। एक अनजान अनदेखी लड़की का दीवाना, अ मिस्टीरियस गर्ल। यार हमें तो लगता है कि ये मिस्टीरियस गर्ल कोई भूत है। आज ही मानी की बॉडी में आ गई है, कल किसी और की बॉडी में आ जाएगी। अगर हमारी बॉडी में आ गई तो कि समर ना पूरे रैड में मुझे को लाइक करता है। जी हाँ, उसने मुझे ही सिलेक्ट किया ये प्रैंक करने के लिए। कूल ना? ये तो क्या कर रही है डब्बू? यहाँ आपको सारी दुनिया से लड़ रहा है, उसकी हंसी उड़ाई जा रही और तू उसे छुपती फिर रही है। तुम लोग
देखो तुम जो कोई भी हो अपना ये मजाक बंद करो, समझे तुम? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? देखो तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं, मैं सचमुच तुम्हारी मिस्ट्री गर्ल हूं। अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं फोन रख देती हूँ। एक मिनट, देखो माना कि तुम मजाक नहीं कर रही हो, लेकिन अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो तो मुझे फोन क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, पर तुम्हें ऐसे लड़ते चोट खाते नहीं देख सकती मैं। What? इसका मतलब तुम यहीं कहीं हो? कहाँ हो तुम? Where are you? देखो मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती, मुझे जाना होगा। देखो प्लीज तुम आज मुझसे मिलोगी ना? मिलने से कोई फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। देखो अगर तुम मुझसे मिलोगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि मैं पागल नहीं हूँ। जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ वो सच है कि मेरी एक परफेक्ट डांस पार्टनर है। प्लीज तुम मुझसे मिलोगी ना? अच्छा ठीक है, रैड के टेरेस पर शाम 7 बजे, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा सुनो सुनो, मैं तुमसे अभी ज्यादा देर बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी शाम में। बाय बाय। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिया मुझे तुम्हें बस इतना बताना है कि तुम परफेक्ट हो। मैं परफेक्ट हूं, परफेक्ट। जिया तुम्हें पता है तुम परफेक्ट, आई मीन परफेक्टली बेवकूफ। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा।